करके एक नए इतिहास की संरचना की है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जिंदा किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, क्या छत्तीसगढ़ में एक ऐसी गूंगी बहरी लंगड़ी और लूली सरकार बैठी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी है, जिसने झूठे वादे किए, जिसने जन घोषणा पत्र में लोगों के साथ में धोखा किया, फरेब किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, और उसके इस विश्वासघात को हम जन जन तक ले जाना चाहते हैं, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, हमने इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली। मुझे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग अभी मिलने आए, गरीब लोग, गांव में रहने वाला, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले, मेन पार्ट की पहाड़ियों में निवास करने वाले लोग मिलने आए थे। वो बता रहे थे कि यहां के मंत्री, यहां के विधायक अमरजीत भगत के संरक्षण में यहां पर जमीन घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है। भाई और बहनों, मुझे बताया गया कि बतौली में सैकड़ों एकड़ जमीन कांग्रेस के लोगों के नेताओं के नाम कर दिया गया है। मुझे जानकारी दी गई कि मैनपाट में करीब 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम कर दिया गया है, और ये गरीब की जमीन है, यह हमारे आदिवासी भाई की जमीन है, ये किसान की जमीन है। और जिसने भी जमीन में घोटाला किया है उसको सबक सिखाना है। हमने इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। जमीन के दलाल पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लबादा ओढ़ करके घूम रहे। भाई और बहनों, ऐसे लोगों को बेनकाब करना है, हमने इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाली। आज मुझे जो जानकारियां मिल रही है, यहां पर गरीबों का राशन चावल खाया जाता है, खाद्य मंत्री इसी क्षेत्र का है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो चावल भेजते हैं वो गरीब परिवार को नहीं मिल पाता, इसको गांव गांव में बताने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। भाई और बहनों, हमने विधानसभा में इस विषय को भी उठाया। विधानसभा में जो खाद्यान्न घोटाला हुआ है,